के विकास के लिए अगर पक्ष विपक्ष को साथ रहकर, यानी पड़ोसियों की बात करूं मैं, पड़ोसी धर्म निभाना है तो पहल कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना यहाँ पर। देखिए पहल तो लक्ष्मण सिंह जी ने कर दी है। मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ ना, लेकिन अभी श्यामला हिल्स पर पड़ोसी हुए ना राजा महाराजा, पूर्व राजा महाराजा, जिसका जिक्र किया है ट्वीट में, तो पहल किस तरह से होगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना। अरे लक्ष्मण सिंह जी किसके भाई है? दिग्विजय जी के हैं, लेकिन फिलहाल तो पड़ोसियों का जिक्र हुआ ना श्यामला हिल्स पर। हाँ जी बताइए। उन्होंने परिवार में एक ने किसी ने कर दिया यानी सबने कर दिया? नहीं लक्ष्मण जी को बंगला अलॉट नहीं हुआ ना वहाँ पर श्यामला हिल्स पर, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। बंगला है ना, ये तो राजनीति भाई, राजनीति अपनी जगह है। वो दोनों भाई तो है ना, कि भाई भी नहीं कहेंगे अपन उनको। नहीं नहीं बिल्कुल, चलिए दिग्विजय जी पहल करेंगे क्या फिर, क्योंकि सिंधिया जी पड़ोसी हो गए हैं श्यामला हिल्स पर? देखो बस ये तो हाँ, या बीजेपी करे? देखो आप, ये तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बता सकते हैं है ना, लेकिन समय समय पर उन्होंने जो जो जनता के लिए करना चाहिए, आप देखते कि अभी कुछ महीने पहले एक मुद्दा चला था किसानों का, जब शिवराज जी ने कई बार कहने के बाद भी समय नहीं दिया था, तो वो पहल दिग्विजय सिंह जी ने तो करी थी। और पूरे किसानों को ले जाकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिले थे, तो पहले भी करते आए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। नहीं लेकिन बीजेपी का साथ मिलेगा? पड़ोसियों की जहाँ तक बात है, पड़ोसी धर्म निभाना है। मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं तो अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के नहीं, आपके नजरिए से मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि क्या शेख साहब वही सवाल है मेरा, बीजेपी सहयोग करेगी यानी कि पड़ोसी धर्म निभाने की जहाँ तक बात है प्रदेश के विकास के लिए? क्योंकि देखिए 16 से 15 महीने का वक्त है मध्य प्रदेश चुनाव में, और जाहिर है कि दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में भी जुटी हैं, और प्रदेश का विकास का मुद्दा फोकस पर रहने वाला है। तमाम मुद्दों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रदेश का विकास है, और दोनों ही पार्टियां इसी एजेंडे को लेकर इसी राह पर जनता के बीच पहुंचना शुरू हो चुकी है। ये भाई साहब एक बात स्पष्ट याद रखिए कि यदि देश के विकास के लिए या देश के हित के लिए हमको रावण से भी मिलना पड़े तो हमको गुरेज नहीं होगा। चलिए बिल्कुल जौहरी साहब, सवाल यही उठता, हालांकि आपने चर्चा की शुरुआत हुई थी तभी कह दिया था कि ऐसा संभव नहीं होता दिखाई देगा, और इस बात को कोर्ट तो ट्वीट के माध्यम से लक्ष्मण सिंह जी भी कर चुके हैं कि ऐसा संभव नजर नहीं आता, तो क्या पहल की हम बात करें, अगर वाकई में पड़ोसी धर्म निभाना है तो लक्ष्मण सिंह जी जो हैं उनका ट्वीट और उसके मायने ये कि पहल कौन करेगा ये निकाले जाए, या फिर ये समझा जाए कि पहल कोई नहीं करेगा या सिर्फ कांग्रेस करेगी पड़ोसी धर्म निभाने की? देखिए कायदे में अगर जो राजा महाराजा का इनका जो स्टेटस है, जो उस समय का स्टेट टाइम्स का, तो उसके हिसाब से तो दिग्विजय सिंह जी को करना चाहिए, लेकिन आज राजनीति का जो दिग्विजय सिंह जी का जो एज है, जो उनका अनुभव है, उस हिसाब से सिंधिया जी को करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आपको बताएं कि पूरी हमको बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए है ना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और किस चोरी नहीं करनी चाहिए, पर उसके बाद भी दुनिया में इतने बड़े बड़े इतने सारे केस हो ही रहे हैं ना, हर दिन एक एक थाने में चार से केस तो हो ही रहे हैं, मुकदमे हो ही रहे हैं। तो कहना बहुत आसान होता है। आपको ध्यान होगा एक बहुत बड़ी घटना है जो कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक बच्चे माँ लेके गई थी अपने बच्चे को कि ये मीठा बहुत खाता है, ठीक है, उन्होंने कहा मैं इसको मना कर दूंगा, लेकिन उनको 3 महीने लगे उसको मना करने के लिए। तो उनसे जब उसकी माँ ने पूछा कि आप इतने बड़े संत हो छोटी सी बात के लिए, तो उन्होंने कहा पहले मैंने खुद खाना छोड़ा फिर इसको मना किया। तो वो आइडियाज आज की राजनीति के लोगों में है क्या? वो आप कहे कुछ भी रहे हैं पर आपके मन में क्या है? कहते कुछ है नेता, करते कुछ है, सोचते कुछ है, लिखते कुछ है, और जो है एक्सप्रेस कुछ और कर देते हैं अपने विभिन्न जो अपने उनके जो भी चाहे ट्वीट हो चाहे उनके इशारे हो उसमें। तो इसलिए आप मतलब इसको अमित तावरे जी, डॉक्टर गोलरेज शेख साहब, आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर हम लोग राजनीति के लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही सच हो, उसके पीछे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये क्या बोल रहे हैं, उन दोनों लाइनों के बीच में क्या हो सकता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी कारण से ये डिबेट भी हो रहा है कि जो उन्होंने बोला है कि उसका मायने क्या निकल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसी से जुड़ा प्रश्न रहेगा जौहरी साहब, देखिए सोशल मीडिया का पिछले 5 से 6 सालों की मैं बात कर लूं तो लगातार ट्रेंड बढ़ रहा है, और लगातार जो दिग्गज नेता हैं सुर्खियों में भी बने रहते हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से हो
अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से हो, राजनीति का स्तर इस सोशल मीडिया के जमाने में क्या सिमट कर रह गया? यानी कि देखिए, मैं कुछ साल पहले की बात करूं, वरिष्ठ पत्रकार आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था, तो अखबारों की जो सुर्खियां होती थी वो सभी की चर्चा का विषय बनती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, अब सोशल मीडिया, तो क्या वक्त के साथ में ये राजनीति का नजरिया भी बदलता जा रहा है और जो दिग्गज नेता हैं सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं? अंकुश जी, सोशल मीडिया ने सारे मीडिया को पीछे छोड़ दिया है और बिल्कुल इतनी तेजी से, मतलब सारे मीडिया को इकट्ठे मिला लो तो भी सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि आज जैसे हम जिस अखबार के लिए काम करते हैं, आपका जो चैनल है, कोई भी बात को प्रकाशित करने से पहले दो तीन लोग वेरीफाई करेंगे, उसमें समय लग जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में कोई समय नहीं लगता है, तुरंत उसके दिमाग में आई चीज और उसने डाली और वो एकदम से वायरल हो गई। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है सबसे प्रभावी माध्यम है, और इस बात को आप सोचिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया सेल है, और अपने ही नहीं, लेबर पार्टी जो है वहाँ पर इंग्लैंड में, उनका भी सोशल मीडिया सेल है, रिपब्लिकन्स का अपना सोशल मीडिया सेल है, अमेरिका, हर देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका सोशल मीडिया का सेल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो समझ गए हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा पावरफुल सोशल मीडिया है, और इसी कारण से बड़े बड़े साइंटिफिक जो हैकर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको उनको हायर किया जाता है, और उनका काम ही ये होता है कि एक तो आप सामने वाले पे नजर रखो, और आपको कैसे जो कई बार मौका आ जाएगा तो एथिकल हैकिंग करके कैसे कैसे हमको पता चल सकता है कि सामने वाले खेमे में क्या चल रहा है। तो इसलिए नेताओं के लिए बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था कि 10,000 15,000 की भीड़ जुटा के कोई फ्रंट पेज पे आता था अखबार के, अब तो उसको सुर्खियों में आना है तो उसने तो सिर्फ एक ट्वीट कर दिया घर बैठे बैठे, और बस ट्वीट करके वो अपना सो गया एसी चला के, और जब तक वो सो के उठेगा तब तक तो पूरे मीडिया में उसकी चर्चा शुरू हो चुकी होगी। अमित जी, सोशल मीडिया का जमाना है, और बीजेपी तो ये लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है, चाहे जनता की समस्याएं हों, जनता के बीच पहुंचने की बात हो, आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, जो आरोप बीजेपी लगाती रही है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता सोशल मीडिया तक सीमित हैं। अब ये ट्वीट किया है, लेकिन ये इस संदर्भ में देखें तो सुचिता की राजनीति के नजरिए से काफी अच्छा है लक्ष्मण सिंह जी का, लेकिन क्या वाकई में सोशल मीडिया तक सीमित हो चुकी है आज की राजनीति? और जो दिग्गज नेता हैं वो अपने विचार सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका हल निकलेगा इस नजरिए से अगर देखा जाए तो? मेरा ये मानना है कि प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया का हो या चाहे जमीनी संघर्ष का हो, जनता के मुद्दे उठाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो इतिहास ही जो है वो आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, ठीक है, चाहे जब की 47 के पहले की बात करें या हम अभी की भी बात करें, आप देखिए कई हजारों, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी 2 साल में जो है वो प्रकरण दर्ज किए गए हैं हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। तो ये कहना मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि हमारी पार्टी से सोशल मीडिया तक है। जमीनी संघर्ष भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं लगातार। चलिए शेख साहब, जिस तरह से लगातार ट्वीट की बारिश होती किसी भी मुद्दे की अगर हम बात कर लें, सोशल मीडिया, हालांकि चलिए जौहरी साहब ने बेहतर तरीके से समझा दिया अमित जी का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हमने दर्शकों को सुनवाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आगे यही उठता है कि 15 से 16 महीने का वक्त अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बचा है, चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, बैठकों का दौर दोनों ही पार्टियों में शुरू है, बीजेपी पिछले 2 दिनों से लगातार बैठक कर रही है भोपाल में, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो जिला अध्यक्ष है वो भी पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आगामी जो मुद्दे हैं वो, चलिए कांग्रेस पर तो लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सोशल मीडिया तक ही सीमित है, इनके नेता ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी कहां देखती है अपने आप को? और साफ तौर पर एक बार फिर वही सवाल मेरा रहेगा, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा कि क्या ट्विटर के माध्यम से प्रभावी तरीके से बात पहुंचती है, चाहे जनता की बात करें या फिर पार्टी के खुद के नेताओं की? देखिए, ट्विटर के विषय में यदि आप पूछें तो ट्विटर एक वातावरण निर्माण करने का, निर्मित करने का, मीडिया हाइप क्रिएट करने का एक अच्छा टूल है, लेकिन यदि आप अंतों पर बात करो तो उनकी फॉलोइंग कितनी है, इस पर भी आप बात करेंगे तो जो एक्टिव फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से इसके बीच में घूमते हैं।
तो बहुत बड़ा है और आपको जमीन पर जाना ही पड़ता है, जमीन पर जाना। जनता पार्टी की हर बैठक में बार बार मंडल स्तर हो, फॉरेस्ट वार्ड स्तर हो, बूथ स्तर की बात होती है। देखिए ठीक है, आप एक डिबेट क्रिएट कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, कुछ हद तक फेसबुक के माध्यम से भी, लेकिन मोर टुवर्ड द ट्विटर। ट्रेंड सेट करता है तो ट्रेंड सेट कर देता है ट्विटर, लेकिन वो ट्रेंड सेट करने से कुछ नहीं होता। जब तक चीजें नीचे तक सर्कुलेट नहीं होती है तो उसके लिए तो आपकी जो पार्टी की यूनिट होती है पन्ना लेवल तक की, बूथ लेवल तक की, मंडल लेवल तक की, वही इंपॉर्टेंट होती है और तो कथवा वही काम करती है और स्ट्राइक भी वही करती है। चलिए एक आखिरी कमेंट जौहरी साहब, अगर वाकई में प्रदेश और देश का विकास करना है, माना कि सोशल मीडिया का जमाना है, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर जाने की जरूरत है, और क्या ये मान लिया जाए कि अगर वाकई में अगर जो दिग्गज नेता हैं उनके ट्वीट सुर्खियां बन रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये भी मान ली जाए कि आपको तो जमीन पर जाना पड़ेगा, यानी कि जनता के बीच पहुंचना पड़ेगा, 10 से 15, 15 से 20 घंटे आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा, और इसी दिशा में ही अगर आगे दोनों पार्टियां बढ़ती हैं और अगर आपस में वाकई में पक्ष विपक्ष को मिलकर यानी पड़ोसी धर्म निभाना है तो इसे फॉलो करने की आवश्यकता है। देखिए वो जमाना गया जब जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारने की स्थिति में होते थे या ऐसा होता था कि वो ना जीतेंगे, तो उस समय उनको स्पेशली इसलिए बुलाया जाता था, संसद तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे वक्ता थे। हाँ। और जो अपने नेहरू जी ये बोलते थे कि भाई ऐसे 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 युवा का होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आज क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? आज आज इस तरह की उम्मीद अमित सावरी जी और डॉक्टर मुलरेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो क्या जमाना, वो समय गया अब। लेकिन फिर भी देखिए सबसे पहले पंचायत चुनाव इनको कराने चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। आपको पंचायतों की स्थिति आपको बताएंगे अंकुश जी, बहुत बुरा हाल हो गया है इस बीच में और पूरा बंटाधार हो गया है, अधिकारियों के हाथ में सारी चीजें हैं, तो अधिकारी क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा क्लर्क जो है वो इतने इतने पैसे मांग लेता है छोटे छोटे काम के लिए, किसी का कुटीर अलॉटमेंट है, किसी का आवास योजना है, किसी का जलधारा का है, किसी का कोई काम है, तो उसके लिए वो पैसे मांग रहे हैं। कम से कम सरपंच होता तो गाली भी करता था, चिल्लाता था, उससे डरते थे लोग, उसका प्रभाव होता था। तो आज जो है कुल मिला के वो जो पुराने सरपंच थे वो अपने अलग मजे ले रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल, और जो कर्मचारी है वो पूरे मजे मार रहा है, ब्यूरोक्रेसी हावी है इस मामले में। तो कम से कम उसे निजात दिलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस बीजेपी दोनों की है और कैसे भी करके इनको जल्दी से जल्दी पंचायत चुनाव कराने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण भी आपने दिया जौहरी साहब के, निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव जो अटके हैं, वाकई में प्रदेश का विकास करना है तो दोनों की राय एकजुट होनी चाहिए। बहरहाल समय की कमी है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो लक्ष्मण सिंह का एक ट्वीट, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पड़ोसी धर्म निभाएं, प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा करें, हल निकालें तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, एक लाइन उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से कोड की है। तो बड़ा सवाल ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल में बंगला अलॉट होता है, उनके पड़ोसी दिग्विजय सिंह होते हैं, उमा भारती हैं, तो ऐसे में ये ट्वीट भी चर्चाओं का विषय बना है। आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि पड़ोसी धर्म निभाने दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता क्या कुछ कदम उठाते हैं प्रदेश के विकास में। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार।